हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बेमिसाल शिल्प की नगरी है महाबलीपुरम। तमिलनाडु का शहर महाबलीपुरम इतिहास का गवाह बनने वाला है। दुनिया के दो बड़े देशों और एशिया की महाशक्तियों में शुमार भारत और चीन के राष्ट्र अध्यक्ष की यहां मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यहां मुलाकात होगी। इस शहर का इतिहास काफी पुराना है जो इसे और खास बनाता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में भ्रमण किया था। सैकड़ों साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता के लिए पल्लवों की शिल्प नगरी रहे और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल महाबलीपुरम आ रहे हैं। इस मौके पर हमने सोचा क्यों ना आपको इसके इतिहास और इसकी खूबसूरती के बारे में बताया जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं महाबलीपुरम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। महाबलीपुरम की बात करें तो चेन्नई शहर से निकलकर जब ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं तो फिजा में जैसे सुकून की खुशबू सी घुलने लगती है। आपके साथ दक्षिणी पूर्वी तट रेखा जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं किसी साथी की तरह आपके साथ निरंतर चलती रहती है। इसका सही नाम चोलमंडलम था। चोलमंडलम यानी वह स्थान जिसे चोल शासकों ने बसाया। चेन्नई से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी तय करने पर चेंगलपट्ट जिले में एक छोटा सा कस्बा महाबलीपुरम या माँ मल्लपुरम पड़ता है जिसका समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक ऐसे स्थान के रूप में जानी जाती है जहाँ मंदिरों के समूह स्थित हैं। इसी कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे महाबलीपुरम और माँ मल्लपुरम के अलावा कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कादल मल्ले, अर्ध सेतु, मल्लाबराम, मल्लाई और मम्मलई आदि। इस जगह का उल्लेख प्राचीन संगम साहित्य की किताब पथुपाट्टू में भी मिलता है। यहाँ के मंदिर अपनी नक्काशियों के लिए मशहूर हैं। यहाँ पत्थरों को तराशकर बनाई गई चट्टानें देखने योग्य हैं। इनमें से ज्यादातर एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। इस खूबसूरत शहर को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पल्लव राजवंश के प्रतापी राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने 7वीं सदी में बसाया था। उनके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम को एक महामल्ल या माँ मल्ल की उपाधि दी गई थी। उनके नाम पर इसे माँ मल्लमपुर नाम दिया गया था। कला प्रेमी शासक महाबलीपुरम पल्लव काल में प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। वैसे तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी लेकिन महाबलीपुरम को पल्लव अपनी दूसरी राजधानी की तरह महत्व देते थे। यहाँ उन्होंने 5वीं से 8वीं सदी के बीच शासन किया था। उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक पल्लव साम्राज्य का विस्तार था। अत्यंत वैभवशाली होने के नाते पल्लव साम्राज्य के विदेश से भी व्यापारिक संबंध थे। यहाँ से प्राप्त चीन और यूरोपीय देशों के तीसरी और चौथी सदी के सिक्कों से प्रमाणित होता है कि महाबलीपुरम उस समय का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार महाबलीपुरम के स्मारकों को पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने बनवाया जिसे बाद में उनके पुत्र सिंह वर्मन ने और परिष्कृत किया। इस वंश में और भी कई कला प्रेमी शासक हुए। चीन से प्राचीन कनेक्शन। चीन के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक शिखर वार्ता के लिए यहां आ रहे हैं तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका चुनाव संभवतः है इसीलिए किया गया है क्योंकि प्राचीन काल में भी इस शहर का चीन के साथ रिश्ता था। जी हाँ, यह रिश्ता रक्षा और व्यापार से जुड़ा था जिसकी गवाही देते हैं यहाँ पर मिलने वाले चीनी सिक्के, शिलालेख और प्राचीन लिपियाँ। चीन ने पल्लव वंश के राजाओं के साथ कई संधियाँ की थी। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। वह पल्लव वंश के शासन काल में कांचीपुरम पहुंचा था। उस वक्त चीन और तमिलनाडु दोनों के प्रतिनिधि मंडल एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे। महाबलीपुरम के स्मारक। यहाँ के सबसे अच्छे स्मारकों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी जादू से बनाया गया हो, विशाल शिलाओं को तराशकर उनमें जान डाली गई हो। इन स्मारकों के हर पन्ने पर एक कहानी लिखी है जिसका संबंध महाभारत और तमिल संगम साहित्य से है। इन स्मारकों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है, रथ, मंडप, गुफा मंदिर, संरचनात्मक मंदिर और विशाल चट्टाने। सौर मंदिर। यहाँ एक भव्य मंदिर है जिसे सौर मंदिर यानी समुद्र तट का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। वास्तुशिल्प कला के इस अद्भुत नमूने में खूबसूरत बहुभुज गुंबद के साथ मंदिर में भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियां सजी हैं। यह इतना मजबूत है कि यहाँ आई सुनामी की ऊंची लहरों और तूफानी हवाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। पंच पांडव रथ स्मारक।
आपने भारत में कहीं भी ऐसे मंदिर नहीं देखे होंगे जिन्हें चट्टानों को खोदकर उकेरा गया हो। ये मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर या चट्टान को तराशकर बनाई गई संरचनाएं हैं। ये रथ के आकार के मंदिर हैं। इन्हें महाभारत के नायकों के नाम पर पंच पांडव रथ भी कहा जाता है। इन पांच रथों को धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल और सहदेव के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण बौद्ध विहार शैली तथा चैत्यों के अनुसार किया गया है। अपरिष्कृत तीन मंजिले वाली धर्मराज रथ का आकार सबसे बड़ा है। पांच रथों में से चार एक पंक्ति में खड़े हैं। द्रौपदी के नाम से भी एक छोटा रथ मौजूद है। इसके अलावा भगवान विष्णु, मुरुगन, शिव आदि देवताओं की कई मूर्तियां शामिल हैं। रथों की दीवारों पर कृष्ण और बाहरी हिस्सों में नंदी, हाथी आदि की मूर्तियां हैं। वंडरबॉल। यहाँ एक गेंद के आकार की विशाल चट्टान एक पहाड़ी पर कुछ इस तरह टिकी हुई है जैसे अभी लुढ़क जाएगी। यह चट्टान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को फेल कर जानी पड़ती है। यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। 45 डिग्री पर झुकी इस विशाल शिला को लोग वंडर बॉल भी कहते हैं। इसे भगवान कृष्ण के लिए बड़े शिला खंड से लटकी मक्खन की बूंद माना जाता है। अजरून तपस। यहाँ 43 फीट लंबी और 96 फीट ऊंची एक विशाल चट्टान को तराशकर असंख्य चित्रों के माध्यम से अजरून की तपस्या का चित्रांकन किया गया है। इसे अजरून से संबंधित दुनिया में सबसे अनोखा स्थापत्य माना जाता है। वराह गुफा मंदिर। माँ लक्ष्मी दुर्गा और विष्णु के वराह अवतार को समर्पित यह गुफा भी पल्लव राजवंश शासकों के मूर्तिकला प्रेम को बखूबी दर्शाती है। बाहर से साधारण दिखने वाली इस गुफा के भीतर की दीवारें खूबसूरत मूर्तिकला से सुसज्जित हैं। इस गुफा के खंभे भगवान नरसिंह के मजबूत भुजाओं पर टिके हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना महाबलीपुरम की खूबसूरती और उसके इतिहास के बारे में। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।